नमस्कार, पीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,27,000 नए मामले आए सामने, 1,059 लोगों की हुई मौत। मनपा चुनाव के लिए दावेदारी की खींचतान, पार्षदों में संघर्ष, बिगड़ रहा माहौल। शहर में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड, 2 दिन बाद चढ़ने लगा पारा। गणगौर को FDA के 3 नोटिस, 15 दिनों के अंदर सुधार का निर्देश। हाईकोर्ट के आदेश पर मनपा का चल रहा अभियान, तनाव के बीच अनाधिकृत निर्माण का सफाया। 8 वर्षीय मासूम से कुकर्म, प्रताप नगर पुलिस थाना अंतर्गत का मामला। डिपो में खड़ी बसें बढ़ा रही है मेंटेनेंस का खर्च, मरम्मत में जुटी ST महामंडल की टीम। अविनाश पांडे ने कहा, पार्टी में नहीं है कोई गुटबाजी, सभी एकजुट, मनपा में लहराएंगे कांग्रेस का झंडा। मामूली विवाद में हुई मारपीट, 3 थानों में मामला दर्ज। अवैध निर्माण से टूटी पड़ोसी की छत, 2 महिलाएं हुई जख्मी, FIR दर्ज करने में देरी का आरोप। BCN न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।